गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कारम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मैं ऊपर वालों से दुआ करता हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू एनदर ब्लॉग। तो गाइज, हम लोग अभी बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस सिमरौनगढ़ में है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को सिमरौनगढ़ ऐतिहासिक प्लेस एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ओके। और इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मैं देने वाला हूँ। अभी हम लोग काली माता का मंदिर में है। कहा जाता है कि ये जंग बहादुर राणा ने ये कंकाली माता का मंदिर बनाया था, ठीक है, जंग बहादुर राणा ने। और उसी मंदिर का पास में ये बहुत ही बड़ा तालाब है, देख सकते हो। एक नाव भी है, बोटिंग कर सकता है यहाँ पे अगर आएगा तो। और यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक मूर्ति शिलाज देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। वो है कंकाली माता का मंदिर, ठीक है। इधर शिवा मंदिर है और ये मनसा बाबा का मंदिर है। ये मनसा बाबा का माना जाता है कि इसका धुनी कभी बंद होता ही नहीं है, लेकिन अभी उधर लगा हुआ है। बहुत ही धुनी 24 आवर 365 दिन यहाँ पे लगता ही रहता है। इस जगह में राजा शिवय सिंह का राज दरबार हुआ करता था पहले, अभी तो पूरा मिट्टी में मिल चुका है, ढह चुका है। ये जगह मिथिला राज्य हुआ करता था, और मिथिला राज्य पूर्व महानंदा और पश्चिम गंडक, उसके बाद दक्षिण में गंगा रिवर और उत्तर में हिमालय तक फैला हुआ था इसका राज्य, राजा शिवय सिंह का गढ़ों का गढ़ था ये, ओके। तो उसी स्थान में है गाइज। अभी हम लोग झरोखर पोखरी विजिट करने के लिए जा रहे हैं। झरोखर पोखरी का भी एक अलग ही इतिहास रहा है। मेरा दादा दादी कहा करता था कि झरोखर पोखरी एक रात में खाना गया है, और वो भी राक्षस ने खाना है झरोखर पोखरी। इसका स्थान है सिमरौनगढ़ बाज़ार से 2 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण दिशा में पड़ता है ये पोखर। और ये पोखर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर में, भाई मैं अभी नेपाल साइड में हूँ, और मेरा पीछे देख रहे होंगे वो वाइट पिलर, वो देखो बॉर्डर का पिलर है वो, ठीक है। उस पार हो जाता है इंडिया, वहाँ पे SSB का चेक पोस्ट है, चेकिंग कर रहा है। उस पार हो जाता है इंडिया और यहाँ पे नेपाल। झरोखर पोखर देख सकते हो, ये 52 बीघा का भाई। गाइज, हम लोग अभी सिमरौनगढ़ रानीवास दरबार में जा रहे हैं विजिट करने के लिए। वहाँ पे बहुत ही पुराना राम मंदिर है, और कुछ राज दरबार का अवशेष भी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस जगह में भी बहुत पहले राज दरबार हुआ करता था। सिमरौनगढ़ बाज़ार से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पश्चिम का तरफ जाना पड़ेगा, तब रानीवास में पहुँच जाएंगे। भाई देखो रास्ता, देखो भाई कुछ दिन पहले बारिश हुआ होगा, और रास्ता देखो पानी जम के पूरा ख़त्म। बाज़ार में तो इससे भी बुरा हाल है बाज़ार में। अभी आ चुका हूँ हम लोग, देखो आगे देख रहा होगा ये रानीवास। पहले तो बाइक लेकर जाता था, अभी बाइक लेकर जाने देता है नहीं देता पता नहीं। चलो अंदर आ गए। उतरो। चलो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया। चलो चलते हैं अंदर, बहुत ही ऐतिहासिक। इस साइड में मैंने देखा था यहाँ पे एक इनार है, बहुत ही पुराना इनार है, पहले इसी इनार से पानी निकाल के पीता था। देखो लकड़ी तो पूरा मिट चुका है, अब देखो इस तरह से लकड़ी पूरा जीर्ण अवस्था में, जर्जर अवस्था में।
चलो अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। सबसे पहले बजरंगबली का यहाँ पे हरिओम नारायण नारायण नारायण। देखो बहुत ही बड़ा घंटा, देखो भगवान से बा हनुमान जी का बजरंगबली ला बाबू ठीक है लगाओ। लियो बाबा भजन बोले। चलो पहले ए मंदिर कितना बजे ओपन होगा? ये खुलने की, हाँ खुलने का टाइम, खुलने के टाइम दो बजे। अच्छा अच्छा चलो घंटा बजा देते। हे भगवान, हे पाप लगेगा मेरा तो। खुला हुआ है ना? चलो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो घंटा में यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है, देख सकते हो भैया बहुत ही पुराना घंटा है। तो यहाँ का एक पुजारी ने बता रहा था भैया कि मैंने भी पढ़ा था कि 600 बीघा ये ज़मीन है, लेकिन अभी 250 बीघा ही है, आधा ज़मीन दूसरा आदमी खनजोत कर रहा है। देखा परिक्रमा, इधर भी देखो बहुत ही पुराना, इधर भी एक इनार है, यहाँ से तो पानी निकाल के अरे करे बहुत ही नीचा पानी है। हजारों साल पहले देखो यहाँ पे शिला ले गए, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, और इधर देखो ये मूर्ति। जय हो जय हो जय हो बसा बाबा। देखिए बहुत ही पुराना शिला, ये भी निकल जाएगा। देखो 1935 साल, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1935 साल, 34 लिखा है, 35 है, 35 है, हाँ 1935 में एक घंटा लगवाया था। अच्छा पर का 5 लिखा है तो लिखा, हाँ 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 तो 35 हो गए। यहाँ पे श्री राम जी का मूर्ति अंदर, ये देखिए ये राजा लोग का मूर्ति है, और सीधा आगे देख सकते हो श्री राम जी का मूर्ति है, बहुत ही गजब तरीका से बनाया हुआ मूर्ति है देख सकते हो, और सभी का ऊपर शेषनाग का देखो हरिओम जय श्री राम। तो ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर जंग बहादुर राणा ने बनवाया था ये मंदिर, ओके। और सीधा ये मंदिर का पीछे रानी पोखरी है, मैं दिखाई देता हूँ, रानी पोखरी स्नान करने वाला यही था यहाँ पे रानी को, बहुत ही शानदार एरिया है ना। इस साइड में पोखर है, पोखर नहीं, इस साइड में जंगल है, 250 बीघा कह रहा है, उधर बच्चे लोग नहा रहे हैं यार उधर का पोखर में। चलो ओके गाइज, हम लोग अभी संदूक जहाँ पे है वहाँ पे आए हुए हैं। ये एरिया सिमरोनगढ़ बाजार से उत्तर पश्चिम का तरफ है, एक पिलर है पुराना, बहुत ही पुराना पिलर है, और संदूक गड़ा हुआ इधर है,
ये संदूक निकालने का कोशिश किया बहुत पहले, लेकिन नहीं निकला। देखो यहाँ पे एक संदूक है, देख सकते हो, ये देखो बहुत ही पुराना संदूक है। संदूक है या केवाड़ी है पता नहीं चल रहा है यार, लेकिन ये सब लोग कहता है संदूक है संदूक है, तो निकालने का कोशिश करता है लेकिन निकलता नहीं है। बहुत भारी चीज़ है ये। तो भाई सिमरौनगढ़ का टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में जो कि ऐतिहासिक प्लेस है वो ये संदूक वाला जगह हो गया। उसके बाद अभी हमने विजिट किया राम मंदिर, और उसके बाद सबसे पहले हमने विजिट किया कंकाली माता का मंदिर और झरोखर पोखर। तो हम लोग अब यहाँ से अब निकलते हैं, सिमरौनगढ़ एरिया पूरा एक्सप्लोर कर लिया। ओके, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना।